हेलो जी, सत श्री अकाल जी सारे नूं। आई होप तुसी सारे जने ठीक होंगे, असी भी ठीक है। स्वागत है थोड़े निक्के जे व्लॉग नहीं अज वीडियो ही है ये। इसमें मैं आज ये बताऊंगी कि क्यों नहीं हमारे व्लॉग आ रहे थे। अब काफ़ी दिन से मिस हो रहे थे। पहले तो मैं ये है कि हफ्ते बाद या दो तीन दिन बाद डाल देती थी। आप तो काफ़ी टाइम हो गया मेरे व्लॉग नहीं डाल रहे। क्या कारण है, क्यों नहीं डाल रहे हैं, आज मैं बताऊंगी आपको। और दिखाती हूँ मैं सानू को भी, सानू क्या कर रहे हैं। सानू ये देख रहे हैं कि मेरी मम्मा क्या कर रही है। छिछी काल बुला दो सारे जने। ये छिछी काल ली लो जी मेरे पुत की। हेलो गद्दो के दे, हेलो हेलो गद्दो, छिछी काल जी। और पूछ लो क्या आप सब ठीक हो, कि मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर दो, ये फुल सपोर्ट कर दो हम सबको, बोल दो बस। अब इसको चार्जर दी गया। पहले तो भाई सानवीर ने मेरा फ़ोन तोड़ दिया था वो काफ़ी दिन तक, क्योंकि आपको पता है कि बीच में दिवाली आ गई थी। दिवाली के कारण वो ना ठीक करने के लिए फ़ोन नहीं ले रहे थे। वो बोल रहे थे कि दिवाली के बाद ठीक करेंगे। ये तो बोल रहे थे, इसके पापा तो बोल रहे थे कि नया दिलवा दूंगा, कोई बात नहीं भी ये भी ठीक करवा दूंगा। पर मैंने कहा इतना ये छोटा है ना, इसको ये नहीं पता कि फ़ोन तोड़ने ये भी ये देता है, इसको तो बच्चे को पता नहीं है ना। सानू ना बुत चार्जिंग तोड़ दो, छोड़ दो बेटे। तो उन्होंने बोला था कि दिवाली के बाद ठीक करेंगे। मैंने कहा भी अभी मेरे को नया नहीं लेना, मैं बाद में ही लूँगी, पहले ये वाला ठीक करवा दो। तो ये गया दिवाली के बाद। दिवाली की कुछ क्लिप ली हुई हैं वो मैं डाल दूसरे फ़ोन में है, जिसमें मैंने वो मेरे पास है था काम चलाने के लिए, अगर एक फ़ोन मैंने उसमें अपना काम चला लिया था। पर उसमें ना मेरा चैनल नहीं है ओपन हुआ था, और ना ही मैंने किया था, कोशिश नहीं मैंने की थी, कुछ भी नहीं मैंने छेड़ा था उसमें। इससे पहले भी व्लॉग कम ही आ रहे थे, वो इसलिए आ रहे थे, कुछ एक मिस हैपनिंग हो गई थी। और वो ना हमारी मतलब कि वो हो गई थी, मेरे मेरे हस्बैंड के गर्ल पड़ गई थी, और वो धोखे से ही मतलब कि उसके वो हुआ। अब तो वैसे सब कुछ सॉल्व हो गया, अब तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। चलो वो तो परमात्मा जानता है सच था या झूठ था, पर बाकी वो जान जितना ये है कि उसके अंदर 95% झूठ था और 5% उन्होंने सच, क्योंकि पूरे ही जो गांव वाले थे उन्होंने सब ने बोला था कि ये सच, इनकी कोई गलती नहीं है। और जी चलो वो तो जो किस्मत में लिखा हुआ होता तो वही है। उसके बाद इसने फ़ोन तोड़ दिया। उस दिन दोनों ही फ़ोन टूटते, इसके पापा का भी और मेरा भी, क्योंकि इसने अपने डैडी को फ़ोन गिर दिया था पानी में। वो या बाहर ट्रैक्टर वगैरह धो रहे थे, अपना सारा काम कर रहे थे दिवाली से दो दिन पहले ही, ट्रैक्टर वगैरह धो रहे थे। इसने पहले तो मेरा फ़ोन फेंक दिया बेड के पीछे, इस गंदे बच्चे ने, जो ये शख्स है, इस शख्स ने मेरा फ़ोन फेंक दिया था बेड के पीछे। कहाँ फेंक दिया था, कहाँ फेंक दिया था आपने फ़ोन? कोई भी सामान होता है, कोई भी इसकी दूध वाली बोतल है, कोई वो चीज़ हो, सब बेड के पीछे। हाँ ऐसे फेंक देते हैं ये शानू बेड के पीछे, कैसे फेंकते हैं, कैसे फेंकते हैं शानू, कैसे फेंकते हैं। और अब भी ये बेड से भी उतर जाते हैं, अपने सोफे पे चढ़ जाते हैं, ये उल्टे उल्टे काम सारे करते हैं। एक दिन तो ऊपर ही चला गया था कोठे पे, मैं देख रही हूँ, सिर्फ जस्ट 2 मिनट के अंदर अंदर मैं फ़ोन में कुछ कर रही थी, इतनी देर में मैं आवाज़ लगा रही, मैंने रसोई में देखा जाके, भी रसोई में भी नहीं है, पर्दों के पीछे देखा, जो मेन एंटर पे पर्दे लगे हुए दरवाजे के पीछे, वहाँ भी नहीं, वहाँ मेरी तो जान निकल गई। मैंने तो सबसे पहले ऊपर ही देखा भाई जाके, और ये पूरा अपना ऊपर पहुँच गया था ना, जैसे ये बंदर, जो ये बंदर है ना, ये बंदर ये ऊपर पहुंच गया था, ऊपर चला जाता है ये बंदर ऊपर चला जाता है। तो फोन ठीक हुआ उसके बाद, नहीं सच पहले तो करवा चौथ और उसके होई के अपने सूट सिल रही थी मैं, जब नहीं टाइम लगा एक दो क्लिप ली होंगी, मम्मी के सिले अपने सिले,
फिर मेरी देवरानी है वो भी आ जाती थी, वो भी सिलाई कर लेती है, उसने भी अपना खुद सूट स्टिच किया था। वैसे तो वो बारी स्टिच करवाती है पर मैं अपने सारे खुद स्टिच करती हूँ, अपनी मम्मी के भी और अपने भी। मेरी मम्मी को भी पसंद नहीं आते किसी के सिले। और भाई मैं तो साफ बात बताती हूँ, मेरे को तो दुख लगता है सिलाई देते टाइम। आगे का कुछ कह नहीं सकती पर जब अब तक जो मेरी वो है ना कि मैं खुद ही सिलती हूँ, खुद ही अपना वो करती हूँ। जब ये हुआ था उसके बीच में सलवारें वगैरह तो मैंने बाहर स्टिच करवा दी, पर अब की बार तो मैंने सारा कुछ अपना खुद ही स्टिच किया है, पूरे सूट के सूट। फिर वो निमटा, बीच में एक दो प्रोग्राम आ गए, दिवाली का निमटा लिया, इसका मामा भी आया था दिवाली पे, वो भी नहीं मैंने क्लिप ली क्योंकि वो फोन ही वो। हाँ उसमें क्लिप में जो इसने दिवाली अब की बार बहुत अच्छे से इंजॉय करी, पिछली बार नहीं करी थी, अब की बार बहुत अच्छे से इसने बम पटाखे चलाए, खूब मस्ती करी इसने। इसको दिया था कि मेरे हाथ में दे दो, मैं तो खुद ही चला लूंगा। और जी उसके बाद हमारे यहाँ पे जो एक जिन्होंने मेरा इसके डैडी की तरफ से बचोलन थी ना, मेरा रिश्ता करवाया था, मेरी मेरी तरफ से तो मेरी मासी थी, इसके डैडी की तरफ से इनके गांव की थी, उसके लड़के की और लड़की की थी शादी। तो एक दो बार मैं वहाँ भी गई हूँ, बीच में उन्होंने बुलाया था। तो उसके लड़के की उस दिन आई हुई थी शादी की चिट्ठी और इसके डैडी को जाना था बाजार में, मतलब कि उनके रिश्तेदारों को छोड़ने के लिए बोल दिया था उन्होंने, वो तो छोड़ के आने थे। तो आते आते ना उस दिन गुरपुरब था और गुरुद्वारे से बच्चे निकल रहे थे, उनको बचाते बचाते इसके डैडी की गड्डी लग गई हमारी। पर ये है कि हाँ बचाव हो गया, इसके डैडी को कम चोट, मतलब कि यहाँ पे हैं चोटे और यहाँ पे वो है स्टिच आया एक, और यहाँ पे है चोट और छाती में है, छाती की तो ये बोल रहे कि डॉक्टर की जो हड्डियाँ ना वो दबी हैं, आगे वो मालिश वगैरह करेंगे दवाई वगैरह से वो आराम हो जाएगा। जो यहाँ वाली चोटी हैं वो अभी पट्टी वगैरह तो खोल दी डॉक्टर ने, और मतलब कि अभी निशान बाकी है, घाव तो अभी है हल्का हल्का सा। उसके बाद गड्डी का ज़्यादा नुकसान हो गया, ये है कि गड्डी का तो मेरे को कोई टेंशन नहीं है, बस इसके डैडी की जान बची चाहिए भाई, उसके ऊपर मेरे लिए कुछ नहीं है। गड्डी का क्या, गड्डी तो ठीक हो जाएगी। और जी फोन आ गया था भाई इसका डैडी का बीच में, वो आज कहीं गए हुए हैं बाहर, और ये शरारती बच्चे ने चार्जर गिर दिया नीचे। उस दिन हमारे पास दो प्रोग्राम थे, एक मतलब कि हमारे बिल्कुल पड़ोस में ही था, वो जो लड़के की चिट्ठी है तो वो थोड़ा सा साइड में पड़ जाता है हमारे से, थोड़ा सा ज़्यादा भी नहीं। तो मेरे को तो मैंने फ़ोन भी किया क्योंकि हमें मार्केट जाना था, मेरे को सानू के कपड़े लेके आने थे, मैंने फ़ोन भी किया, मेरे को जब भी नहीं बताया। 3 साढ़े 3 बजे की चोट लगी हुई, मेरे को नहीं बताया, मेरे को तो 4:30 4:45 बजे ऐसे पता लगा, वो भी मेरे भाई की कॉल आई उस वजह से मेरे को पता लग गया, वरना नहीं मेरे को पता लगता था। मेरे को तो जब घर आते जब ही देखा, जब देखा तो मेरी कंडीशन ख़राब, मेरे से भी बर्दाश्त नहीं, मैं अपना दुख सहन कर लेती हूँ, मेरे से किसी और का दुख नहीं सहन होता, अपना मैं सहन कर लेती हूँ। उससे पहले सच चोट लगने से पहले बेटी मेरे चाचा की डेथ होगी, मतलब कि जो मेरे बाबे और है ना मेरे दादाजी और वो तीन भाई थे, उनके जो छोटे हैं शायद उनके लड़के की डेथ हो गई थी, वहाँ गए हैं। बस मूड सा ही ठीक नहीं था, एक दिन छोड़ के जो इनकी मेरी दादी सास है उसके सिस्टर के लड़के की डेथ हो गई, ये वहाँ गया। फिर एक दिन छोड़ के जिस दिन चिट्ठी आनी थी उस दिन सुबह के टाइम गुरपुरब वाले दिन गांव में ही किसी की डेथ होगी, पहले वहाँ गए, वहाँ से फिर उधर जाना था जो पड़ोस में प्रोग्राम था, फिर उधर जाना था। चलो वो तो कोई बात नहीं, पर दुख में तो जाना चाहिए, सुख में चाहे जाया जाए या ना जाया जाए वो अलग बात है, दुख में जरूर जाना चाहिए। तो उसके फोन, जब मैं इसके डैडी को चोट लगी है, कोई आ रहा है कोई जा रहा है,
दो तीन दिन तो बिल्कुल ही मतलब कि वो नहीं हुआ। एक दिन इसकी बुआ भी आई थी, जो बुआ सास है वो, उनको पता लगा। वैसे तो हमने किसी को बताया भी नहीं था। मेरे मायके वाले भी आने के लिए बोल रहे थे, पर मैंने जवाब दे दिया क्योंकि उधर ज़्यादा ज़रूरी था। यहाँ तो ये है कि संभाल भी लेते, वहाँ ज़्यादा ज़रूरी है भाई, दुख में ज़रूरी है तो ये भी दुख था, पर करे क्या। वो अब सर्दी है, कुछ मम्मी बीमार हो रही है, अब बाद में आएंगे वो। एक कल इसका मामा आएगा मंडे को, क्लिपें वगैरह सब कुछ बनी पड़ी हैं। अब मैंने एक व्लॉग डाला है, उस पर कुछ रिस्पॉन्स नहीं मिला। प्लीज़ व्लॉग को लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर दिया करो। और जी जो करवा चौथ की और वो ही किया, छोटी छोटी सी क्लिप बनाई हुई है मैंने, ज़्यादा नहीं भी मेरे मैंने, क्योंकि बच्चे के साथ बनता नहीं है। पहले तो मैं बना लेती थी जब मैं घर थी, जब तो ये बिल्कुल छोटा सा था, और अब ये शरारती बच्चा बन गया, कभी ऊपर जा कभी बाहर जा कभी कुछ कभी कुछ, और ना ये फ़ोन देने देता। अगर फ़ोन किसी का आएगा तो मेरे को दो, मैं बात करूँगा, वरना अब किसी ने बात नहीं करनी। यही है कि फ़ोन ही काट देगा ये, और इसके अलावा इसके पास कुछ नहीं है। और इसका दिवाली का गिफ्ट दिखाती हूँ भाई, मैंने क्या दिया इसको, ये देखो ये वाली साइकिल लेके आए थे, ये इसकी दिवाली गिफ्ट है। और ये ना यहाँ चला जाता है इसके पीछे फ्रिज के यहाँ, और जोत वाले रूम में, इसका ना वाले रूम का ना दरवाजा नहीं लगवाया, इसका स्लाइड वाला दरवाजा लगवाएंगे, जो शीशे वाला है वो वाला, अभी ठहर के लगवाएंगे। थोड़ा सा काम अभी हमारा पेंडिंग है। और आपको पता है सर्दियों के दिन अब छोटे हो गए, अब तो वैसे ही नहीं, कोशिश करूँगी कि अब अपनी डेली व्लॉगिंग स्टार्ट करूँ मैं। और हाँ जी आजो, आज बेटे यहाँ आजो, मम्मा पास आना, जो 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 अपने मामा ने बहुत याद कर रहा है भैया, डेली इसको वीडियो कॉल में बुलाएगा अपने मामे ने, आजो 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 आ गया भाई, ये बंदर आ गया भाई, ये बंदर चची काल बादल छा रहे जने ना, अब नहीं बुलाऊंगा, मूड नहीं है। और अब शादी वगैरह हो ली है, जो चिट्ठी आई थी वो शादी वगैरह का निमट गया, आप फ्री हैं अब। एक शादी और आ गया, आज भी प्रोग्राम था, यहाँ दूसरे एक और पड़ोस में चिट्ठियाँ नहीं थी, वहाँ इसके डैडी को भेज दिया मैंने, आप ही जाओ, मेरे बस की बात नहीं हुई बच्चे के साथ। पता क्या, इसकी नींद नहीं फिर पूरी होती, ये मैंने दो दो तीन दिन ये प्रोग्राम अटेंड तो किया है, पर मैं इसकी नींद पूरी करके फिर जाती थी, ये सो जाता था ना नहा के फिर जाती थी एंड में। मेरे जेठानी के घर भी रात जगा था, वहाँ भी बस इसने थोड़ी सी देर जाने दिया था, वरना नहीं, बीच में ही आ गई थी मैं भूल के, सिर्फ 5-10 मिनट के लिए एक बार गई, 5-10 मिनट के लिए एक बार गई हूँ, आज 20 मिनट होंगे, आधा घंटा हो गया होगा, वरना नहीं, क्योंकि भाई बच्चा बैठने ही नहीं देता, फिर बच्चा बच्चा रोए तो दिल दुखता है। और इसको तो मैं वैसे ही नहीं वो तंग करना सोचती, मेरे को यह है कि सारी उम्र जाने गया, अब भी है इसका ये 2-3 साल, इतना स्कूल नहीं जाता, इतना यही है, जहाँ स्कूल जाना स्टार्ट कर दिया बच्चे ने तो अपना, और बड़ी मुश्किलों से मिला हुआ है, काफ़ी टाइम बाद, जो कह देते हैं जो जल्दी मिलते हैं, प्यार तो हर माँ बाप अपने बच्चे को पूरा करते हैं, ये सोचते हैं कि अपनी जान से भी ज़्यादा अपने बच्चे को किसी चीज़ की कमी ना आने दूँ, पर जो ये लेट मिलते हैं ना, इनकी थोड़ी सी मोह ममता ज़्यादा ही होती है। हर माँ बाप अपने बच्चे को अपने ये सोचता है कि मैं जितना भी हो सके उतनी खुशी दे दूँ, उससे बढ़कर ही देने के लिए सोचते हैं। और ये अपने डैडी के बिना तो दिन दिन में बिल्कुल ही नहीं रहता, थोड़ा ये है याद करता रहेगा, डैडा 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 पापा पापा पापा, डैडा 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 पापा पापा पापा, मस्ती कर रहे देखो, डैडा 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 डेडा 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 मम्मा, आज उसने मम्मा बोला है, वरना अगर मैं कहूंगी मम्मा बोल दे डेडा पापा, ऐसे बोलता ही है, ऐसे बोलता ही है गंदा बच्चा, जब रोएगा जब बोलेगा मम्मा, और रात को तो बिल्कुल नहीं जाता, तभी उन्हें डैडी के पास
मम्मा मामा मामा ए मामा, कहाँ मामा आपका? वाज लगा दो ज्योत मामा 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 मामा। अब बोलो पापा मामा, बोल दो, बोल ना, बोल दो, बोल दो। तो ठीक है जी, आज की वीडियो इतनी ही। अब करती हूँ मैं, सब्जी वगैरह बनी हुई है, बस रोटी बनानी है। और अब कर देती हूँ मैं इसकी पचामी चेंज, जिसने कर लिया अपने सुसु, शायद पोटी भी कर लिया ना, पोती कर लिया ना, पोती करी है ना। इसको देख लूँ मैं, बताना था मैंने ये आपको। और अब एक शादी और आ गई है, वो देखते हैं कैसी रहेगी। ये वाली तो ठीक ठाक सी थी हमारे लिए तो। और आज गए हैं इसके डैडी कहीं बाहर, फिर देखते हैं किस टाइम तक आते हैं, अभी तक तो आए नहीं है। और जी ठीक है जी, व्लॉग को लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर दिया करो प्लीज़, सपोर्ट कर दिया करो, सपोर्ट दिखा दो प्लीज़ चैनल को। 1 साल हो गया बने हुए, पर अभी तक इसके ऊपर 100 से भी ऊपर कोई सब्सक्राइबर नहीं हुए हैं। 50 इतने ही होते हैं, इतने ही हैं, जितने हैं थे स्टार्टिंग से इतने ही पड़े हैं। प्लीज़ लाइक शेयर और सपोर्ट कर दिया करो, सब्सक्राइब भी कर दिया करो चैनल को, यही आपसे विनती है। ठीक है जी, मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में।